मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है, भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करे, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, जो लीगल कार्रवाई है, जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में या NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम च। भाई अमृतपाल दे वकील इमान सिंह खर अज अदालत पहुंचे ने, ते उन्हां दे कहना है कि सरकार दे वल्लों वख वख वकील पेश होए ने, ते जिस नूं लै के इमान सिंह खर दा कहना है कि भाई अमृतपाल दी छवि खराब की जा रही है, ते मैं खुद देखा कि भाई अमृतपाल उन्हूं गिरफ्तार किया है। नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तनु बेदी मैम है, जो एमिकस क्यूरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बींग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए। तो वहाँ पर जो AG साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पर ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट, कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर दें। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल से, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है, सरकार ने क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है, भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करे, जो लीगल कार्रवाई है, जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में या NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी, वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायजा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर, ये जिनको इलीगल कस्टडी में, जो 225 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है, और जिसनों लेके AG का कहना है कि वह पुलिस की कस्टडी दे विच नहीं है, ते हाई कोर्ट दे वल्लों कहा जा रहा है कि जेकर वह फड़िया गया है जां गिरफ्तार है तां सानूं सबूत दिता जावे, ते जिस दे चलदे दोवां दा पक्ष पूरिया गया ते सुनवाई कल ते कर दित्ती है।